हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये अरबी का सब्जी जो कि हम मसूर दाल के साथ बनाएंगे। और ये देखिए, ये मसूर दाल को हमने फूलने के लिए दे दिया है। तो चलिए फटाफट से इस अरबी को छील लेते हैं हम लोग। ये बहुत ही इजी छील जाती है, इसे ऐसे भी छील देंगे तो ये छिला जाएगी। ये देखिए, हम इसको यूं कर करके छील लेते हैं सारा। ये देखिए, और दोस्तों ये जो वाइट वाली जो होती है, ये वाइट वाली अरबी है, एक येलो कलर की आती है, हल्का सा येलो होता है उसके अंदर, तो वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होती है। और उस वो जो है वो गलती भी अच्छी से नहीं है। ये देखिए, ये पूरा वाइट है और ये गलती भी अच्छे से है। चलिए सारे को छील लेते हैं हम लोग। ये देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से छील करके वाश कर लिया है और इसको अब हम कट कर लेते हैं। तो इसमें जो बड़ा बड़ा साइज का है उसे हम कट कर लेंगे यूँ पीस से। और जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो छोटा वाला है इसे हम साबुत ही रखेंगे, जैसे ये सब आप देख रहे हैं। और बड़े वालों को दो दो टुकड़े में कर लेंगे, जैसे ये है। तो चलिए सबको काट लेते हैं। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से काट लिया है इसे। और कुछ ये देखिए, ये सब हमने साबुत ही छोड़ दिया है, ये पूरी तरह से गल जाएगी। चूँकि ये देख लीजिए, ये अंदर से एकदम वाइट है और ये एकदम कच्चा वाला है, जो मोटा वाला होता है वो नहीं पकता है। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में तेल हमने डाल लिया है, तो इसमें हम डाल दे रहे हैं ये दो तेज पत्ता, ये दो लाल मिर्च है, और इसमें ये काली मिर्च और सरसों और थोड़ा सा दालचीनी है। दालचीनी से जो है वो हमारे अरबी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो चलिए सारे फोरन को हम लोग फूटने देते हैं। देखिए, सरसों और काली मिर्च हमारा फूट चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं ये डेढ़ मीडियम, एक मीडियम साइज़ का प्याज था दोस्तों, और एकदम छोटा सा प्याज था। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा हाफ फ्राई हो चुका है लगभग, तो इसमें हम डाल दे रहे हैं ये लहसुन का पेस्ट है। ये हमने दो कली के आसपास था, इसमें एक बोटी और दो तीन चौ जो होता है कली वो था। चलिए सबको मिक्स करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। लहसुन भी हमारा हल्का लाल हो चुका है, तो इसमें हम ये अपने अरबी डाल देते हैं और इसको प्याज के साथ करीब 5 मिनट तक हम लोग फ्राई कर लेंगे यूँ ही चला करके। क्योंकि अरबी में जो है दोस्तों, वो जब आप अरबी काटते होंगे तो आप देखते होंगे कि इसमें चिकनाहट टाइप का है, चिपचिपा टाइप का, तो वो इसलिए हम लोग फ्राई कर रहे हैं कि वो चिपचिपापन उसका जो है वो रफनेस जो है वो निकल जाए। चलिए 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं अपने मसाले, तो उसके लिए हम नमक डाल दे रहे हैं टेस्ट अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर, काली मिर्च और जीरा का पेस्ट है। अब फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मसालों के साथ भी 2 मिनट हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हल्दी जो होती है दोस्तों, मिर्च तो हमारा भुना हुआ होता है लेकिन हल्दी जो होती है वो कच्ची होती है, तो हल्दी को भूनना ज़रूरी है। तो इसी तरह हम 2 मिनट इसको भून लेते हैं। और इसके साथ ही हम लोग डाल देंगे दोस्तों जो हमने दाल फुलाया था मसूर का, उसे। ये जो है दोस्तों, मसूर दाल के साथ अरबी अगर जो बनाइएगा तो ये दोस्तों जो लेटेस्ट माँ बनती हैं लेडी, तो उनका दूध बढ़ाने में ये काफ़ी, मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, बहुत हेल्प करता है। क्योंकि इसमें मसूर दाल है और अरबी, और ये दोनों जो है दूध वो बनाती है, तो ये काफ़ी हेल्दी और पौष्टिक होती है। तो चलिए इसे हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। और इसका सारा पानी सूख चुका है दोस्तों, ये देखिए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। चूँकि ये देखिए, इसकी जो कढ़ाई है इसमें चिक पकना ये बंद हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा ही दिया दोस्तों, क्योंकि इसमें हमारा दाल है तो दाल भी फूलेगी, तो थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा ही होना चाहिए। चलिए इसको खोलने देते हैं। धीमी आंच पर इसे खोलते हुए करीब 20 मिनट के आसपास हो चुके हैं दोस्तों, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए,
दाल भी हमारा पूरी तरह से गल चुका है। जब दाल गल चुका है तो अरबी भी हमारी गल चुकी होगी। फिर भी मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, चेक करके। और यकीन मानिए दोस्तों, ये खाने में इतनी बेहतरीन लगती है कि मत पूछिए। ये देखिए, ये मैं साबुत वाली ही आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी से गली है। तो इस तरह से बनाइए दोस्तों और एंजॉय कीजिए। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी कैसी लगी खाने में बना करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।